हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नवेद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, उसको ऑपरेट करना कि आइदर उसके ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे या ट्रांसलेशन लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को घटाना या बढ़ाना। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जीन रेगुलेशन रेफर्स टू द मैकेनिज्म दैट एक्ट टू इंड्यूस और रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। जीन रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी मैकेनिज्म है जो जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करती है या रिप्रेस करती है। जैसे हमें मालूम है कि जीन रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इंक्रीज इट्स वर्सेटिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी वर्सेटिलिटी को और एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है अमंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, लेकिन सबसे पहले इनको इन 1961 में जैकब एंड मोनॉड ने डिस्क्राइब किया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि जो हमारा, अगर हम प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल लें तो जो जीन रेगुलेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? रेगुलेटरी जीन्स के थ्रू ऑपरेट होता है। जीन रेगुलेशन जो है वो रेगुलेटरी जीन्स के थ्रू ऑपरेट होता है, और ये रेगुलेटरी जीन जो है रेगुलेटरी प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है आइदर ऐसे एक्टिवेटर वर्क करते हैं और आइदर रिप्रेसर। ये रेगुलेटरी प्रोटीन आइदर एक्टिवेटर वर्क करते हैं या आइदर रिप्रेसर। एक्टिवेटर वर्क करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट को जो है बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के रेगुलेशन को पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं, और जब इसको रिप्रेस कर देते हैं यानी कि डिक्रीज कर देते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन, तो इस तरह के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमें लैक ऑपेरॉन के केस में देखने को मिलता है। तो जो इसको हम एक सिंपल उसमें समझते हैं, जैसे कि ये पता नहीं है हमारा जो जीन रेगुलेशन है वो जो जीन का एक्सप्रेशन है वो दूसरे जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। उस तरह के जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वो रेगुलेटरी प्रोटीन आइदर एक्टिवेटर वर्क करेंगे और रिप्रेसर वर्क करेंगे। अगर एक्टिवेटर वर्क करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाएंगे तो उसे पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे, और एज ए रिप्रेसर वर्क करेंगे तो इस तरह की रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। ये आपको क्लियर हो गया? अब इसमें हम स्टेप्स देखते हैं कि रेगुले जीन क्या स्टेप्स ऑफ
regulation of gene expression. स्टेप्स कौन कौन से हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, जैसे कि हम पिछली कई वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस पे हमारा ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जीन जो है क्या करेगा, ये जीन बनाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है फिर प्रोसेस होके एमआरएनए बनाएगा। अब ये हम इस वाले पार्ट को हम पढ़ चुके हैं, हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो रेगुलेशन ऑफ, अभी हम बात बताएंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो कैन बी एक्सर्टेड एट सेवरल पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे हो सकता है ये हम आगे देखेंगे। अभी एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से हमारा ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, शुरू में ये इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव प्रोटीन। ये जो है आइदर ये एक्टिव प्रोसेसिंग के थ्रू एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा, या ये जो है प्रोटीन डिग्रेड होके प्रोटीन डिग्रेडेशन में चला जाएगा, डिग्रेडेशन, और ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा और इसके जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, वो फिर से जो है किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्या है ट्रांसलेशन में, ये वाली जो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज और ट्रांसलेशन, और ये जो स्टेप है ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। ये एमआरएनए जो है सेम केस में, ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए डिग्रेडेशन में चला जाएगा, डिग्रेडेशन, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फिर से जो है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए जो स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं स्टेप्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन का एक्सप्रेशन जो है वो वेरियस स्टेप्स पे हो सकता है। नंबर वन क्या है कि जैसे हमारा ये कोई जीन है, इसने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया, तो फर्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो सकता है रेगुलेशन। फिर ये जो है प्री ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, यहां पे जैसे हमें एचएनआरएनए मिलता था वो प्रोसेस होके एमआरएनए बनता है, तो आरएनए प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेसिंग वाले स्टेप पे हो सकता है रेगुलेशन। फिर उसके बाद ट्रांसलेशनल लेवल पे प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं, फिर वो प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन बनता है। तो इस सारी प्रोसेस को हम लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो हम अगर कहें इन यूकैरियोट्स और रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए
लेवल यानी कि प्री ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है प्रोसेसिंग के बाद उसके लेवल पे, या प्रोटीन के लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे। तो ये जो है, जो हमारा रेगुलेशन है वो किसी भी लेवल पे एग्जर्ट हो सकता है। तो ये है मेन स्टेप, स्टेप्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन प्रोटीन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं यहां मिटा दे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो जीन है, जैसे कि ये जीन है हमारा, तो जीन जो है आइदर दो तरह के होते हैं। एक तो ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहते हैं, इस तरह के जीन्स को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। ये हाउस कीपिंग जीन्स जो है ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहते हैं। दूसरे वो जीन्स होते हैं जो कभी ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, यानी कि इनका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के थ्रू होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स के थ्रू होता है। तो ये हम आने वाली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो आइदर एक्टिवेटर के थ्रू, एक्टिवेटर होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, या रिप्रेसर होगा तो ये क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देगा। यानी कि दो टाइप्स के जीन्स होते हैं, एक तो वो कि जो ऑन या ऑफ कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि रिप्रेसर का एग्जांपल है जो लैग ऑपेरॉन, जो लैग ऑपेरॉन होता है वो, उसमें जो लैग रिप्रेसर है वो क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देता है। इसी तरह से जो ऑलवेज ऑन कंडीशन में होते हैं जीन्स, जिन्हें हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स, उनमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जितने भी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एज ए हाउस कीपिंग जीन्स वर्क करते हैं। इस तरह के जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहते हैं। तो ऐसे जीन्स जो जिनका सिंथेसिस जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो हर सेल को चाहिए ही चाहिए, तो उस तरह के जीन्स को हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेगुलेशन ऑफ जीन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है आइदर एक्टिवेटर और रिप्रेसर वर्क करते हैं, या जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि ये ऑन या ऑफ कंडीशन में रहते हैं। जो ऑलवेज ऑन कंडीशन में है उस तरह के रेगुलेशन को जब एक्टिवेटर ऑन करता है तो उसको पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं, और जब रिप्रेस करता है तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। स्टेप्स हैं जिन इन स्टेप्स किसके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के, ये मेन स्टेप्स हैं कि पहले जीन्स ट्रांसक्राइब हुआ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, फिर mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन बना जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, फिर उसकी प्रोसेस हुई, वो एक्टिव प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन जो है आइदर दोबारा से पार्टिसिपेट भी कर सकता है डिग्रेड होके, इसके अमाइनो एसिड जो है वो फिर से ट्रांसलेशन में, जो tRNA है जो अमाइनो एसिड बाइंड करके लाता है वो कहाँ से लाता है, या वो वहीं से लाता है जो अमाइनो एसिड जो है, जो प्रोटीन जो है डिग्रेड हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, उनके जो फ्री अमाइनो एसिड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको दोबारा से कैरी करके वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की डिटेल डिस्कस करेंगे, ओपेरॉन मॉडल। थैंक यू।